नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सुमन जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको पता है अभी तक पिछले वीडियो में अपन टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस 6 टेंस पढ़ा दिए थे। अब बात करेंगे अपन अगले टेंस की, मतलब अपनी जो क्लास चल रही थी वो क्लास थी 5, और क्लास 5 का आज जो पार्ट है वो पार्ट है 1 2 3 4 5, पार्ट 4। टेंस की बात करें तो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको परफेक्ट क्यों बोलते हैं आप समझ गए, मैंने कल ही बताया था कि परफेक्ट नहीं होता है, ये होता है परफेक्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है, मैंने बताया था कि आर के बाद अगर ए ई आई ओ यू वोवेल्स, इनमें से अगर एक भी आए तो आर को बोलते हैं। आर के बाद ए ई आई ओ यू, इनमें से एक भी नहीं है तो आर को नहीं बोलते हैं। जैसे वो देखो, अब आर के बाद एक भी नहीं, ए ई आई ओ यू में से एक भी नहीं है, तो ये रहेगा परफेक्ट नॉट परफेक्ट। और देखो इसको बोलेंगे फगेट नॉट फॉरगेट। और इसको बोलेंगे फबेड नॉट फॉरबेड, क्योंकि आर के बाद ए ई आई ओ यू में से एक भी आए तो आर को बोलते हैं। आर के बाद ए ई आई ओ यू में से एक भी नहीं आए तो आर को नहीं बोलते हैं। सो देख लीजिए, यह प्री पोजिशन, क्योंकि आर के बाद ई आ रहा है, आर के बाद ई आ रहा है तो आर को बोलेंगे प्री पोजिशन। अपन जो टेंस पढ़ रहे हैं वो टेंस को दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एक तरीके से पढ़ रहे हैं अपन सेंटेंस बनाना, और साथ ही साथ एक तरीके से और पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस बनाने के साथ साथ अपन खाली स्थान को भरे कैसे, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सेंटेंस बनाना एग्जाम में नहीं आता है, पर अपन पढ़ क्यों रहे हैं उसको, उसका पढ़ने का साफ साफ रीजन है क्योंकि आपका एक टॉपिक है एरर फाइंडिंग। जब एरर निकालेंगे तो एरर तो वही आदमी निकाल सकता है जिसको कम से कम पहले यह पता हो कि सेंटेंस बनता है कैसे है। जब सेंटेंस बनाया जानेगा तभी तो एरर निकाल रहे हैं। एरर निकालने के लिए अपन सेंटेंस बनाना पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान कैसे पढ़ते हैं ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम आपके बोलने के पहले पास्ट में ही पूरा हो गया। कोई भी काम ऐसा है जो आपके बोलने के पहले पास्ट में ही पूरा हो गया। इस सेंटेंस में पूरा हो गया मतलब आएगा चुका था या चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आती है हेड। इसमें दो सेंटेंस एक साथ चलेंगे, एक तो बनेगा बिफोर से और एक बनेगा आफ्टर से, मतलब एक साथ दो टेंस पढ़ने हैं अपने, एक बनेगा आफ्टर से एक बनेगा बिफोर से। चलिए पहले बात करते हैं बिफोर की। अगर सेंटेंस में बिफोर आता है तो सेंटेंस बनाना कैसे है, कैसे बनाना है। दो सेंटेंस होंगे, एक लिखना है सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड, फिर लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है बिफोर, फिर लिखना है सब्जेक्ट फर्स्ट, ये है सब्जेक्ट सेकंड, और फिर लिखना है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। मतलब एक साथ कितने टेंस हो गए, दो टेंस हो गए, एक टेंस ये
एक टेंस ही है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये पास्ट परफेक्ट है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो काम पहले हो, जो काम पहले हो उस काम को पहले करना है। आपको इस टेंशन में नहीं आना है कि एक साथ दो सेंटेंस आएंगे बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करना। जो काम पहले हो रहा उस सेंटेंस में, उस काम को आपको पहले करना है। जिस सेंटेंस आया मेरे घर जाने से पहले रवि ने कविता लिखी, या रवि कविता लिख चुका था, यूँ बोल सकता है, रवि कविता लिख चुका था। अब देखिए, एक सेंटेंस ये होगा घर घर जाने वाली बात हो गई, एक सेंटेंस ये होगा रवि कविता लिख चुका था। अब देखिए, दोनों कामों में से पहले काम कौन सा हो रहा है, पहले मैं घर गया या पहले रवि ने कविता लिखी। तो पहले की बात हुई, घर जाने से पहले मतलब मैं घर नहीं पूछा, उससे पहले ही रवि ने कविता लिख दी, यानी कि ये सेंटेंस पहले बनेगा। जो काम पहले हो रहा हो उस काम को पहले करते हैं, और ये काम बनेगा बाद में, यानी कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सेकेंड होगा रवि। हेल्पिंग वर्ब हेड आनी है, हेड लिखने को बोलते हैं, राइट, राइट की लगानी है अपने को थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, रिटर्न। फिर आएगा पोइम, कविता को पोइम बोलते हैं। फिर आएगा पहले, पहले को बोलते हैं बिफोर। अब सब्जेक्ट फर्स्ट की बात करें, सब्जेक्ट फर्स्ट में मतलब आई, जाने को बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, टू होम। आपको बात समझ नहीं, अपने को ये दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा काम कब करना है। आप तो ये देखो कि जो काम पहले हो रहा है उस काम को पहले करना है, जो काम बाद में हो रहा है उस काम को बाद में करना है। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक दो सेंटेंस बताता हूँ आपको बात कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। मिटाता हूँ मैं इसको, एक सेंटेंस बनाते हैं। सीमा के रामायण पढ़ने से पहले सुनील ने एक गाना गाया। बनाते हैं सेंटर, पहले काम कौन सा हो रहा है, पहले सुनील ने गाना गाया, बाद में रवि ने सुनी सीमा ने कविता पढ़ी, सुनील ने गाना गाया, इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट सेकंड है सुनील, यानी कि आएगा सुनील। फिर आएगा हेड, गाना गाने को बोलते हैं सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म बनेगी संग, अ सॉन्ग, एक गाना गाया यानी क्या सॉन्ग। पहले को बोलेंगे बिफोर। अब सब्जेक्ट सेकंड फर्स्ट है सीमा, सीमा पढ़ने को बोलते हैं रीड, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म पर रीड बनेगी, रीड रामायण। मेरे हिसाब से आपको बिफोर का यूज समझ में हो गया, समझ में आ गया। आफ्टर का तरीका भी यही होता है,
बस ये इतना सा ध्यान रखना है कि जो काम पहले है उस काम को पहले करना है। अब बात करें आफ्टर की, मैं मिटाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? बात करते हैं आफ्टर की। अगर सेंटेंस में आफ्टर आता है, अगर सेंटेंस में आफ्टर आता है तो सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट सेकंड, फिर आएगा हेड, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस आया, मेरे सोने के बाद पापा ने मुझे कॉल किया। मानते हैं, मेरे सोने के बाद पापा ने मुझे कॉल किया। मतलब पहले काम सोने का हो रहा है और पापा कॉल कर रहे हैं, बाद में बात वही हो गई। जो काम पहले हो रहा है उस काम को पहले करना है, जो काम बाद में हो रहा है उसको बाद में करना है। पहले काम हो रहा है ये वाला, बाद में काम हो रहा है ये वाला। सब्जेक्ट पास्ट है मेरे, यानी आई। सोने को बोलते हैं स्लिप, स्लिप के सेकंड होती है स्लैप्ड। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी आएगा आफ्टर फादर हेड कॉल्ड मी। बात आपको समझ आएगी। सेंटेंस बना लिया अपन ने, आफ्टर से कैसे बनता है समझ गए आप, बिफोर से कैसे बनता है ये बात समझ गए आप। अब एक काम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके रूल देखते हैं कि सेंटेंस बनाना कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब बनाते हैं सेंटेंस कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए सेंटेंस बनाने के तीन रूल है। पहला रूल है सेंटेंस में बिफोर हो या सेंटेंस में आफ्टर हो। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अगर बिफोर के पहले खाली स्थान हो तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर बिफोर के पहले खाली स्थान हो तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आफ्टर के बाद खाली स्थान हो तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गया आप? बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और उल्टा हो जाए, मतलब आफ्टर के पहले खाली स्थान हो या बिफोर के बाद खाली स्थान हो तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर? समझ गया? ये समझे कि बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और अगर उल्टा हो जाए सेंटेंस तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बिफोर के पहले, फिर याद कर लीजिए, बिफोर के पहले आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और उल्टा हो जाए
तो सेकंड फॉर्म, उल्टा हो जाए तो सेकंड फॉर्म। अब ऑप्शन देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे क्वेश्चन आया द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन ऑप्शन है इसके डिपार्टेड, सेकंड ऑप्शन है डिपार्ट्स, थर्ड ऑप्शन है डिपार्टिंग और अगला ऑप्शन है हेड डिपार्ट। चलिए देखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तो बात कर ही नहीं रहे अपन, या तो सेकंड फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है, इनकी बात करना। बिफोर के पहले खाली स्थान है, देखो बिफोर के बाद जब खाली स्थान था, बिफोर के बाद जब खाली स्थान है तो रिच्ड सेकंड फॉर्म आई, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आई तो सीधी सी बात है बिफोर के पहले थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बचा क्या हेड डिपार्टेड, सीधा क्या आ जाएगा हेड डिपार्टेड। एक और देखिए, अंकल His money after aunt had bitten him। दे ऑप्शन दे रखा है स्पेंड, दूसरा है स्पेंड्स, तीसरा है हेड स्पेंडेड और अगला है हेड स्पेंड्स। चलिए बात करते हैं स्पेंड फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी, स्पेंड्स फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया नहीं आएगी क्योंकि आफ्टर के पहले खाली स्थान है, आफ्टर के पहले खाली स्थान होता है तब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तब क्या होता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हेड स्पेंड्स, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो आफ्टर के बाद पहले आ गई, यहाँ तो अपने को सेकंड फॉर्म की बात करनी है, हेड के पहले, आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि अभी नहीं आएगी, बची क्या स्पेंड सेकंड फॉर्म आई। आपको पूरी बात क्लियर होगी, पहली बार आप पूरी बात आपने क्लियर कर ली कि बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उल्टा हो जाए तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक रूल आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले रूल की, अगला जो रूल है उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मेरे हिसाब से आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, दो रूल है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला रूल है, अगर सेंटेंस में इफ हो, इफ के बाद भी सेंटेंस हो, कोमा लगा हो और बाद में भी सेंटेंस, अगर इफ के बाद खाली स्थान हो तो आता है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोमा के बाद खाली स्थान हो तो आता है वुड, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इफ के बाद खाली स्थान हो तो आता है हेड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, अगर बाद में खाली स्थान हो तो आता है वुड हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। पहले बात कर चुके थे अपन, मैंने आपसे कहा था हो सकता है वो खाली स्थान इधर थे, ये भी हो सकता है वो खाली स्थान इधर थे, एक तरफ खाली स्थान देगा तो एक तरफ का भरा होगा, ये तब होगा जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा। अगर मान लो टाइम खराब चल रहा हो, एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है, अगर टाइम खराब चल रहा हो तो ये सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो सीधा हो कैसा भी हो, अपने को तो एक बात ध्यान रखनी है, इफ के बाद अगर हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कि इफ इधर आए या उधर आए कहीं भी आए, इफ के बाद अगर हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो दूसरी तरफ पक्का है वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, अगर दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गई तो इफ के बाद हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको पूरी तरह से अच्छे तरह से ध्यान में रखनी ही होगी। ऐसे दो रूल मैं पहले बता चुका था, एक रूल मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, एक बताया था मैंने पास्ट इंडेफिनेट में। चाहें तो अपन एक बार तीनों ही रूल को एक साथ देखते हैं। क्या था रूल वो, इफ के बाद अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी तो दूसरी तरफ आता था वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इफ के बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है तो दूसरी तरफ आता था शेल या विल में से एक, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर बात, मतलब आप समझ गए, इफ के बाद अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आए या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो तो दूसरी तरफ आता है शेल विल प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इफ के बाद अगर मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरी तरफ आती है वुड प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इफ के बाद अगर हेड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरी तरफ आती है वुड हैव थर्ड। इफ कहीं भी आए उससे मतलब नहीं है, इफ पीछे आए या आगे आए आपको ध्यान रखना है, शेल विल लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड लिखा हुआ है तो सेकंड फॉर्म आएगी, वुड हैव लिखा हुआ है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, देखिए जैसे आया इफ शी अ कार I would have helped her. ऑप्शन देखते हैं, बाइस दूसरा ऑप्शन है बॉट, तीसरा ऑप्शन है हेड बॉट, चौथा ऑप्शन है
वुड हैव बॉट। बात क्लियर? ऑप्शन पे चलते हैं, क्या आएगा? देखिए, कोमा के बाद वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रही है, कोमा के बाद वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रही है, वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सीधी सीधी बात वुड हैव थर्ड दे तो आएगा ही नहीं। इधर आना चाहिए हेड थर्ड, बाई फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, दोनों नहीं आएंगी, सीधी क्या आ जाएगी? हेड बॉट। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आ गया आई वुड लर्न इंग्लिश इफ यू मी। ऑप्शन है टीच दूसरा ऑप्शन है टीचेज, तीसरा ऑप्शन है टॉट। और चौथा ऑप्शन है हेड टॉट। चलिए, इस बार क्या किया, इफ दे दिया बाद में लेकिन वुड दे दिया पहले। कोई बात नहीं, मैंने कहा था वुड है तो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है, वो इफ के बाद आएगी, इफ आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। इफ दे दिया बाद में और पहले वुड दे दिया, वुड दे दिया तो सीधी सीधी बात आप समझ गए कि अब क्या आना चाहिए। अब आना चाहिए, अब ये आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म में से एस भी नहीं आएगा, हेड थर्ड भी नहीं आएगा। हेड थर्ड तो कब आता, जब यहाँ वुड है वो लिखा होता, यानी क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपन मिलेंगे अगले क्लास में, तब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ जितने भी टेंस अपन ने अभी तक पढ़े सब टेंस के मैं आपको एरर निकालना सिखाऊंगा। जितने भी टेंस अपन ने पढ़े हैं मैं सबके आपको एरर निकालना सिखाऊंगा। उससे पहले एक बार आप सभी के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अपन ने सेंटेंस कैसे बनाए, फिल इन द ब्लैंक कैसे किए, क्योंकि एरर निकालने के लिए जरूरी है कि अपन सेंटेंस को बनाना सीख लें। जब आप सेंटेंस बनाना सीख लेंगे तब आपको मैं एरर निकालना सिखाऊंगा और आप आराम सीख जाओगे। यह क्लास थी फोर, क्लास फाइव का फोर पार्ट था। अब फोर फाइव पार्ट जब आएगा तब मैं आपको एरर निकालना सिखाऊंगा, और एरर निकालना सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लगातार पढ़ाई करते रहे, पता नहीं एग्ज़ाम कब हो जाए, और भरोसा थोड़ी सरकार का। तो लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। अभी तक आप थे राजेंद्र सुमन के साथ, आप पढ़ रहे थे इंग्लिश। जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।